वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि प्यारे कनागतों के दिन जो चल रहे हैं, इनमें पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। वंश वृद्धि, परिवार की वृद्धि, व्यापारिक की वृद्धि, शरीर में निरोग्यता इत्यादि के आशीर्वाद हमको प्रदान करते हैं। तो हमको किस तरह से करना चाहिए अपने पितरों को प्रसन्न? तर्पण के माध्यम से। और इन ये जो 16 दिन होते हैं पितृ पक्षों के, इन 16 दिनों में तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वैसे तो पुत्र माता पिता जब जीवित होते हैं तो उनसे अनेका अनेक प्रकार के क्लेश करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं। मृत्यु हो जाने के बाद में वो अगर वो पुत्र नहीं भी चाहता है तो हो सकता है उसकी जो बहू हो, जो पुत्र वधु है, वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने के लिए अपने पति से कहे और पति तैयार हो श्राद्ध करने के लिए। तो उन समय में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सबसे पहले पितरों को तर्पण दिया जाता है। जीवित व्यक्ति को कभी भी भोजन न दिया गया हो, परंतु जब मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति तर्पण इत्यादि करते हैं। जो तर्पण नहीं करता है, जो पिंडदान नहीं करता है, जो श्राद्ध नहीं करता है, उसके ही घर में किसी न किसी रूप में पितृदोष जैसी समस्याओं का उसके परिवार को सामना करना पड़ता है, जिसमें अनेका अनेक प्रकार के कष्ट उसके जीवन में आते हैं। विवाह ना होना, लड़के बच्चों का कहना ना मानना, संतान ना होना, व्यापार का अच्छा न चलना, परिवार में कलह रहना, मन काम में ना लगना, विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई अच्छी ना होना, ये सारे कारण कहीं ना कहीं पितरों से ही संबंध रखते हैं। तो क्यों ना हम पितृदोष से भी मुक्ति को पाएं और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर हम तर्पण नहीं करते हैं तो श्राद्ध अधूरा रहता है, श्राद्ध पूरा नहीं होता। तर्पण वैसे तो नदी का महत्व होता है तर्पण करने के लिए, कि किसी नदी के पास में जा करके, जैसे तीर्थराज प्रयाग हो गया, चित्रकूट हो गया, काशी जी हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, अनेका अनेक अयोध्या जी हो गई, अनेका अनेक स्थानों पर जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों के पास में जाकर के तर्पण करना चाहिए। परंतु आज की इस भागदौड़ भरी हुई जिंदगी में इतना समय नहीं हो पाता है कि हम तर्पण के लिए वहां पे जाएं। जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही तर्पण करिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। आसन बिछाइएगा, उस पर बैठिएगा, सामने एक पात्र रखिएगा, तांबे का हो, पीतल का हो, काशे का हो, ना हो तो स्टील का भी पात्र आप ले सकते हैं, तसला। उसमें जल डालिएगा, गाय का कच्चा दूध डालिएगा, तिल डालिएगा, जौ डालिएगा, चावल डालिएगा, और पितरों के लिए 3 बार जल आपको छोड़ना है। ओम, अगर नाम पता है, गोत्र पता है तो गोत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम, तो वो उस आपके जल से तृप्त हों। 3 अंजलि आपने जो जल दिया है उससे वो तृप्त हों, वो प्रसन्न हों, और प्रसन्न होने के बाद में वो आपको आशीर्वाद दें। जिनके पितृ पूरे हो चुके हैं उनके लिए आप तर्पण कर सकते हैं। अब तर्पण ऐसा नहीं कि आप एक के लिए करें, जितने आपको नाम अपने परिवार के याद हैं उन सभी का आप तर्पण कर सकते हैं, उन सभी को आप जल दे सकते हैं। नियम तो यहाँ तक बताया गया है कि मित्र के लिए भी तर्पण कर सकते हैं, गुरु के लिए तर्पण कर सकते हैं, और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के लिए आप तर्पण कर सकते हैं। जब तर्पण करेंगे तो वो उस तर्पण के जल को ग्रहण करते हैं और आपको प्रगति वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसलिए पितृपक्षों में
तर्पण का विशेष महत्व है और तर्पण प्रत्येक मानव मात्र को करना चाहिए। जिसके माता पिता जीवित हैं उस संतान को तर्पण नहीं करना चाहिए और जिसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, भगवत चरणों में आश्रय ले चुके हैं, भगवान के धाम को पधार चुके हैं, ऐसे संतान को, पुत्र को अपने माता पिता के निमित्त नियम पूर्वक तर्पण जरूर देना चाहिए और उनकी जिस दिन तिथि हो उस दिन श्राद्ध संस्कार भी करना चाहिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निसंदेह आपके पितर आप पर प्रसन्न होकर के वंश वृद्धि, परिवार वृद्धि, व्यापार वृद्धि सभी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।